हेलो गाइस, इट्स योर बॉय देसी ज़ोरबा एंड वेलकम टू अनदर फ्रीकिंग व्लॉग। और आज है मंगलवार, मंगलवार के दिन होता है हमारा ऑफ। हम रहते हैं पूरा दिन घर पे, एंजॉय करते हैं, रेस्ट करते हैं, तेजस के साथ खेलते हैं। और देखो तेजस तंग भी करता है हमें, तेजस ने पूरा तंग किया हुआ है पापा को। और ये बैठे हैं हमारे माता जी। आज है हमारे माता जी का व्रत। व्रत क्यों है इनसे पूछेंगे। आज आपका व्रत है ना? ये किस चीज का व्रत है? सकर चौथ का। हीटर भी चल रहा है ना। सकर चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है? ये बच्चों के लिए। बच्चों के लिए लंबी आयु हो, बच्चों की स्वस्थ रहें। अच्छा, और बच्चों के लिए तो मम्मी चक्रियों का व्रत भी तो रखते हैं ना आप। हाँ, होई अष्टमी का। हाँ, होई अष्टमी है। अच्छा, और ये भी है, है? हाँ, सही है। इसमें मम्मी जैसे उस दिन होई माता की पूजा करी जाती है, आज के दिन किस चावल की है? तिल और चावल की पूजा की जाती है ना, मतलब किसी भगवान की नहीं पूजा की जाती? कौन से भगवान? गणेश बाबा जी की। गणेश बाबा जी की पूजा की जाती है ना। और कुछ इस व्रत के बारे में बताना चाहेंगे? आज के दिन फिर कौन से भगवान की पूजा की जाती है, मतलब व्रत में? गणेश बाबा जी दी और सकट माई। सकट माई जी, ओके। मम्मी वैसे मैंने पहली बार सुना सकट माई के बारे में, तो मतलब मुझे भी कुछ सालों से ही पता चला। हाँ, वैसे मैंने कुछ सालों से व्रत रखना शुरू, 7-8 साल या 10 साल मैक्सिमम है ना, इतने सालों से पता लगा ना। तो सही है। तो आज के दिन तो खाना पीना फिर बढ़िया बनेगा। आप व्रत कैसे खोलोगे फिर? तिल भुग्गे से तो खोलोगे खा के? मतलब किस तरह खोलोगे? खाना खा सकते हैं, खाना तारे को अर्घ देके। तारे को अर्घ देके। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज तो खाना पीना भी बढ़िया बनेगा फिर। क्या बना रहा है जी खाने में? क्या बन रहा है? छोले, पूरी और पनीर। वाह वाह जी वाह, बल्ले ही बन रहे आज तो, स्पेशल बल्ले। वाह जी वाह। चलो मम्मी फिर, अभी मेरा दोपहर तो होगी, मैं दोपहर का खाना मैं बाहर खा के आ रहा हूँ, मैं आपको नहीं कष्ट दे रहा, आज मैं बाहर खाना खा के आ रहा हूँ। ठीक है, खाओ। हाँ, मैंने कौन सा रुकना है आपके ना करने से भी, है ना। चलो मैं बाहर खाना खा के आ रहा हूँ। ये तेजस ने ना तंग किया हुआ है तेजू ने। मैं हो गया था तैयार बाहर जाने के लिए, बिकॉज मुझे आज खाना बाहर, लंच बाहर ही करना है। और इधर तेजस ने देख लिया कि पापा हो रहे हैं तैयार, और तेजस ने भी पूरी तैयारी की है कि पापा मेरे को साथ देंगे। चलो ये देखो, साथ जाने के लिए। हाँ, चल रहे हैं बेटे। कार कर रहा है तेजस, कहते कार में लेके चलो। तेजस, और तेजस को गेड़ी लगवाने के बाद हम आ गए हैं अर्बन स्टेट 7 सेक्टर में अमृतसरी कुलचा खाने के लिए। देखते हैं भैया आज कौन कौन से कुलचे हैं। वैसे तो मुझे खाना पसंद है गोभी वाला, वो भी हरी मिर्च डलवा के। पूछ लेते हैं एक बार कि इनके पास आज अवेलेबल है या नहीं है। वैसे तो होगा यार। लो जी, रेट देख लो। आलू कुलचा 100 रुपये। भैया रेट बढ़े हैं क्या कुछ? कितने कितने हैं यार? 140 रुपये था यार गोभी वाला, हैं? 130 का नहीं, अपन तो वो आटे वाला खाने वाला। 110 रुपये का नहीं था, कितने का था पहले? और ये आ गया है हमारा गोभी वाला गर्मा गर्म अमृतसरी कुलचा आटे वाला, वो भी वाओ, देखने में भी जबरदस्त लग रहा है। और साथ में है इसके अमूल का मक्खन। वाओ ग्रेट। सैलेड भी है साथ में, ट्रेडिशनल चटनी के अंदर ये देते हैं प्याज काट के चने। शानदार भाई, शानदार। चलिए शुरू करते हैं। एक बार मैं जरूर कहना चाहूँगा, चाहे महंगा है चाहे सस्ता है, मगर है बड़ा शानदार है। खाने में तो यार टेस्ट जबरदस्त है। आप भी आओ और खाओ, एंजॉय करो। यार देखो, अमृतसरी कुलचा तो खा लिया, लाजवाब वाला बढ़िया सा, और मज़ा भी आ गया, एकदम आनंद आ गया। अब इच्छा कर रही है कि मैं खाऊं या पीऊं चाय, गर्मा गर्म चाय पीने की यार बहुत इच्छा है। चलो देखते हैं हम चाय कहाँ पीते हैं आज। चाय पियेंगे गर्मा गर्म। तो फाइनली अब हम चाय पीने के लिए पहुंचे हैं एक बहुत ही खास जगह, खास जगह। एक बार मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पे, अंदर जाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। चलो पीछे दिखाई देता हूँ कौन सी खास जगह है। हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, चाय सुट्टा बार। चाय पियेंगे, सुट्टा तो यहाँ पे क्या ही मिलता है,
सुट्टा तो वैसे इलीगल है भाई, सुट्टा पिला भी मत देना, कहीं हो जाए कौन, चाहे सुट्टा बाहर कहीं काम हो जाए, पूरी फ्रेंचाइजी गई। चलो हम पीते हैं अब चाय, देखते हैं कौन सी चाय पियेंगे, अदरक वाली पीने का। देखो चाय तो ले ली हमने, चाय सुट्टा बाहर से, और इच्छा थी चल अंदर बैठ के पीता, बट जो उनकी चेयर्स है ना यार सारी गंदी हो रखी हैं, बहुत गंदे से गंदी हो रखी हैं, दिल नहीं करता बैठने को। मैं सोचा यार चलो बाहर खड़ा होकर पीऊँगा, सर्दी में मज़ा भी आएगा चाय का, और या तो फिर मैं कार में बैठ के पीऊँगा। चाय सुट्टा बार वालों अपनी यार सीट्स चेयर साफ कर लो बढ़िया से, तभी बैठने का दिल करता है यार, अदरवाइज ऐसे दिल नहीं करता। और आज अम्बाला में थी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की। देखिए यार क्या पूरा ही लगा रखे हैं ना, फ्लैक्सें वलैक्सें पूरी जबरदस्त तरीके से, हर एक जितने भी नेता लोग हैं सब अपना नाम चमकाने के लिए। जग्गा खेरा जी, जग्गा खेरा, और ये देखो जी ये कौन से हैं, आदमों के तो नाम नहीं पता, इनका इनका नाम पूरा चमक रहा है। सही है भाई सही है, राहुल गांधी जी ने पूरी बियर्ड बढ़ा रखी है आजकल, और टी शर्ट में निकले हुए हैं। वाह जी वाह, चलो बढ़िया है, मांगो जी वोटें मांगो, और क्या वोटों का ही खेल है सारा, करते रहो लगे रहो, बढ़िया है। हम तो पॉलिटिक्स में है नहीं, शुक्र है भाई, ना अपने को पढ़ना ना अपने को लेनी है, ना लेनी दो, इंजॉय करो यार लाइफ को बस। तो सर हम कुलचा खाने के बाद पीने के चाय, वो भी चाय सुट्टा बार में, चाय पीकर आ गए, और हम आए थे यहाँ पर लालू जी का तिल कुगा लेने के लिए, ठीक है। और सामने ही हमारे एक भाई साहब की शॉप पड़ती है शिव रतन केंद्र, उनके शॉप पे हम 2 मिनट बतियाने के लिए आ गए, सोचा कि आप सभी को मिलवा दें। इनके साथ भी हमने एक छोटा सा व्लॉग बनाया था, और बहुत ही लोगों ने पसंद भी किया था, बड़े अच्छे व्यूज़ आए लोगों ने उस पर, अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था। वैसे डिमांड तो हमारे 2-3 दोस्तों की ऐसी है, इनके साथ एक और व्लॉग बनाया जाए, वो बनाएंगे इन फ्यूचर, आज सिर्फ इनसे हाय हेलो करेंगे, इनसे व्यू जानेंगे। हमारे व्यूअर्स को कुछ राम राम, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय शंकर जी की, जय शंकर जी की। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे भाई योगेश के चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, ये आपका एंटरटेन करता है, करता था और करता रहेगा, इससे भी ज़्यादा इसको बूस्ट करें, जितना इसको बूस्ट करेंगे उतना आपको ये फंसाता रहेगा। बिल्कुल, मैं एक बार 360 डिग्री दिखाना चाहता हूँ जय शंकर जी की। अब मुझे कुछ कोई ज्ञान की बात आज की, सिर्फ एक छोटी सी कोई ज्ञान की बात, आज ज्ञान की बात, किस तरह का ज्ञान लेना चाहिए, कुछ भी यार, मतलब हंसी मजाक का कुछ भी ज्ञान, हंसी मजाक में एक। वो आपने आज कहा है कि मतलब कि सबको इनकम टैक्स और सेल टैक्स पे करना चाहिए। हाँ जी, ये आपका बहुत अच्छा थॉट था। हाँ जी, मतलब कि जो इनकम को छुपा के अपना इनकम टैक्स को बचा रहे हैं, सेल टैक्स को बचा रहे हैं, उनकी वजह से दूसरे लोग सफर करते हैं। तो हर एक से एक रिक्वेस्ट है कि अपना इनकम टैक्स और सेल टैक्स रेगुलरली पे करें। बिल्कुल, थैंक यू। हो गया ना हर चौथ को ना व्रत रख दिया है, व्रत रख दिया तिल भुग्गा, तिल चोली लेके, तिल चोली लेके व्रत रख दिया। एक दिन क्या होया, लोगों ने सिखा दिया मुंडे ने, क्या तेरी माता ने क्या व्रत के बहाने ना तिल भुग्गा बना बना के खा गया, क्या तेन तो कुछ दिन दी नहीं। एक दिन मुंडा देख लिया, मुंडा व्रत कर दिन देख के ना, तो वाकई मेरी माँ ने तो तिल बनाया, तिल चोली लेके ना छिपके में रख दी, छिपके में रख दी भी बाद में खाएगी। मुंडा ना कहे मैं अपनी माँ ने कहना मैं नहीं तेरे को ले रहा, मैं तो जा रहा हूँ घर छोड़ के। माँ ने कहा बेटे ना, मैं तो कह दिनेश पापा जी का व्रत रख दी सकट माई का, मैं नहीं खादी। कह ना मैं तो जा रहा हूँ। कह अच्छा तू जा रहा ना, छिपके मत ना चक के तिल चोली दे दी है अपने पुत्र नू, तिल चोली दे दी है, कहती है जहां भी तेन संकट लगेगा ना कह तू ना तिल चोली अपने आसे पासे बिखा लीए, बिखेर ली आसे पासे। अच्छा जी, माँ का कहना मन के चला जाता है, चला जाता जब उस जाता ना उन्होंने ए लगता है राजा की लड़की का विह हों ना आवा पकाना हों, आवा बर्तन पका जिसमें आवा कहते हैं, वो आवा पकता नहीं है। राजा चिंतित है भी मेरी कुड़ी का विह है भी आवा तो पक नहीं रहा, मैं क्या करूँ है। पंडित ने पूछता, पंडित कह इसमें ना कह कोई जड़ा ना कह कुआरे लड़के की बलि देगा ना कह,
ते भी आवे मां बैठेगा तो बर्तन पकेंगे। तो ओ कंदा मुंडा कंदा सुन ले क्या उस राजा उसने तन देगा बहुत ज्यादा। कहता कोई ना मैं ही बैठ जांदा हूं, मैं हम गरीब लोग मैं ही बैठ जांदा, मेरी कड़े कोई बुक्कत है। ओ ना आवे दिन च बैठ जांदा, आवा जला दिंदे है, जला दिंदे है। अगले दिन ज्यादा जाके देखते है ना आवा तो बुझा हुआ हुंदा है और बर्तन पक्के वे और वहां से एक मटके माना बिल्ली ने बच्चे दे वे हुंदे है। बिल्ली दे बच्चे भी जिंदा और तिल चोरी बखेर के बैठता आवे दिन च मां वो भी जिंदा है और वो खुद भी जिंदा है, खुद भी जिंदा। ते राजा कह भी क्या होया, कह मेरी मां ने तो तिल चोली दी थी, कह भी जहां भी तेन संकट लगे अपने आसे पासे बिखेर के बैठ जे, मैं तो ही बिखेर के बैठा था। उच्चो बिल्ली के बच्चे भी जिंदे निकले, आप भी जिंदा निकले। राजा ने खुश होके ना अपनी कुड़ी का ब्याह उस लड़के के साथ करते हैं, उस लड़के के साथ ब्याह करते हैं। तो ढोल नगारे नाल डोली आ रही है, लोग कह रहे हैं ए बबो तेरी तो कह बहू आ रही है, कह मेरे मुंडन तक इन्ना टाइम हो गया मेरी बहू कहाँ से आएगी है, कह ना आ रही है राजे गजे गजे नाल आ रही है, है। ते जद देख दी है भाई भाई फिर देख दी है भी ये तो वाकई मेरा मुंडा है। फिर वो कहती है भी जे ये सच्ची गल है ना तो मेरी चमड़ी च मोटी फटे यहाँ से भी दूध की छाती छाती फटे और उसमें से दूध की तार उसके मुंह पे गिरे, लड़के के मुंह पे गिरे, तब मैं मानूंगी भी ये ठीक मेरा ही बेटा है जो राजा दी बेटी लेके आ रहा है। उस तरह ही उसका हुंदा, उसकी दूध की तार उसके मुंह पे गिरती है जाके। सकट माई ने जिस तरह उन्हें सुनी, सकट माई सब दे सुने, गणेश बाबा जी सब दे रक्षा करे। मम्मी ने तो अभी व्रत नहीं खोला है ना, मम्मी फिर तारे को देख के व्रत खोलोगे ना। और मम्मी बना रहे हैं अभी पूरी, पूरी के साथ मम्मी सब्जी क्या बनाई आपने, वाव आलू की सब्जी। और मम्मी ने बनाए हैं मेरे फेवरेट भल्ले, वाव वाव मम्मी वाव। एक बात गारंटी है भाई, मेरी मम्मी जैसे ना भल्ले कोई नहीं बना सकता दुनिया में, ये बात की मैं गारंटी देता हूँ। है मम्मी ये आपने कहाँ से सीखे थे बल्ले हैं, जल्दी बताओ मेरे व्लॉग को आपने कहाँ से सीखे बल्ले। मम्मी बार बार तारा देखने जा रही है, तारा कोई अभी तक निकला नहीं, भूख लग रही है, भूख लग रही है। फोगी वेदर दिखाता हूँ मैं, एक मिनट, फोगी वेदर है, तारा कोई निकला नहीं है, मम्मी व्रत कैसे खोलेगी। नहीं भाई कोई तारा नहीं नजर आ रहा। और दोस्तों फाइनली मम्मी ने जो व्रत खोल दिया वो लाइक ऐसे आकाश को देखकर ही खोल दिया, बिकॉज फोगी वेदर था, फिर पता है तारे तो नजर आने नहीं थे, सारी रात तो ऐसे बैठना नहीं था मेरा, तो फिर दोबारा रिन्यू हो गई मेरी तो पॉलिसी, ठीक है, साल में 2-3 बार हो जाती है अपनी। तो आप भी अपना ध्यान रखें, सर्दियों में बाहर मत निकलें, सर्दियों में घर में रहें, हीटर जलाएं, कंबल में रहें, रजाइयों में रहें। और मैंने लास्ट व्लॉग में भी जैसे बोला था ना कि यार कुछ भी अगर पुराने कपड़े वगैरह अपने पास पड़े हैं तो वो डोनेट करो यार, किसी के तो काम आए यार, कोई तो सर्दी से बचे। हाँ एक बात और मैं आपको बता रहा था कि जैसे मैं अमित जी के पास गया था ना तो उन्होंने एक आप लोगों से बोला भी यार कि जो लोग लाइक टैक्स नहीं भरते या फिर इनकम टैक्स है या सेल टैक्स है वो अपना टाइम से भरें, पता है वो लोग तो भरते नहीं है सही तरीके से, इसीलिए वो सारे का सारा बर्डन आता है सैलरीड क्लास पर्सन पे। सैलरी क्लास पर्सन का क्या होता है कि यार वो कंपनी में काम कर रहा है उसका सैलरी में से टीडीएस कट जाना है, वो तो देखो एक सैलरी पर्सन तो देखो उसका तो टैक्स कट रहा है, और जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं ना वो यार 1-2 रुपये का भी सारा टैक्स नहीं भरते। तो ये गवर्नमेंट को यार ये बात देखनी चाहिए सही तरीके से यार, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कुछ ना कुछ करे और सही टैक्स वसूले सभी से, सो दैट कि एक सैलरी क्लास जो पर्सन है ना उसको दुख ना लगे यार कि उसने टैक्स पे किया, और जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो नहीं पे कर रहे। तो यार मैं तो गवर्नमेंट को स्पेशल एक ये बोलना चाहूँगा कि इस तरफ ज़रूर ध्यान दें और सभी से बराबर टैक्स वसूलें किसी के साथ, ताकि गलत ना हो, ताकि सैलरीड क्लास पर्सन पे इतना बर्डन ना आए टैक्स का। और मैं इस व्लॉग में आपसे यहीं विदा चाहूँगा और मिलते रहेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस ऑफ।